दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ आतरी। आतरी में क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने गूगल पे का काम किया था, तो वहाँ पर क्या है कि एक कस्टमर को 9,000 रुपये फंस गए, 9,150 रुपये फंस गए उनके। तो एक्चुअली क्या आगे क्या होगा वो तो देखना बाकी है अभी। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ऐप डिलीट कर दिया गूगल पे बिजनेस करके। मैंने ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था वो, जो कि उसी से ही पूरा पेमेंट वगैरह आता है, तो इस वो ऐप उन्होंने डिलीट कर दिया। अब बहुत से 100 से भी अधिक लोगों ने उन्होंने भी ऐसा किया कि ऐप वगैरह डिलीट कर दिया। फिर कहते हैं कि हमारा तो मैसेज ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा बैंक अकाउंट में आता है लेकिन उन्होंने वो लोग भूल जाते। तो अभी क्या है कि हमारे कंपनी का इतना ही काम है, सिर्फ हमारा सिर्फ बना के सिर्फ निकल जाना। लेकिन अभी मैंने सर से बात की थी, आपको इतना इतना सिर्फ माथा कुटी नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनको बना के निकल जाना, इतना ही काम करना। कंपनी को गूगल गूगल पे कंपनी को गूगल पे कंपनी होती है वो कभी कभी ट्रेंडिंग में पैसा फंसा देती है। बैंक में बैंक वाले भी क्या है होता है कि कभी कभी पैसा ट्रेंडिंग में फंसा देते। तो आगे वो उनको लगता है कि मैंने उनके साथ फ्रॉड किया था। मैं उनके पास, मेरे गाँव के पास ही आतरी आतरी, तो वहाँ पर ही मैं जा रहा हूँ अभी आतरी, और उनके उनसे बात करके देखता हूँ। और बाकी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया उनको कि आपने ये गलती की थी, उसकी वजह से ऐसा आपके साथ हुआ। तो अब देखते हैं आगे उनका 9,000 का, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। वैसे भी किसी के साथ 3-4 हज़ार वगैरह वैसा हो जाता है, तो उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता देता हूँ उसकी। ऐसा नहीं कि मैं उनको पैसे ला के दे दूंगा उन्होंने, तो फर्जी लोगों से साथ आपको बच के रहना चाहिए, हो तो उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनको पूरा परफेक्ट तरीके से बताता हूँ, लेकिन क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद सब भूल जाते और पैसा की लालच में आके कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने QR कोड आता है उससे पैसा दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेजा है, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पैसा तो दिया है लेकिन फिर उनके बैंक अकाउंट में आया नहीं मैसेज। तो मैंने भी उनको कहा, कह रखा था कि जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक आप इनको कन्फर्म मत कीजिए। तो उन्होंने, वो बंदा भी उसके गाँव के ही है, तो आप जो है ऐसी कंडीशन मैंने पहले नहीं देखी, लेकिन अभी जाके देखता हूँ। पहले तो ऐसा है, डूंगरपुर में ऐसा फ्रॉड हुआ था कि एक फीमेल आई थी, उन्होंने पैसे फ्रॉड किया था एक कस्टमर के साथ। तो अभी अभी कुछ अलग ही है इस बार। इस बार मैं जाके देखता हूँ, हो सकता है कि वो मुझ पर एग्जाम लगा दे मैं अगर न जाऊँ तो। अभी मेरे सर वगैरह से बात की तो मत जाओ, ऐसे कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके आपका काम थोड़ी है वो तो। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ तो फिर जाके देख ही लेता हूँ क्या समस्या है। चलिए मिलते हैं उसके बाद वहाँ पर जाके। अभी अतरी निकल ही रहा हूँ यहाँ से। तो मैं अभी आतरी से थोड़ा आतरी से वापस आ चुका हूँ वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ऐप डिलीट कर दिया था गूगल पे बिजनेस करके। फिर उन्होंने, मैंने उनको पूरा समझाया कि ऐसे ऐसे बैंक में मैसेज आता है। उन्होंने तो क्या है कि डेली पेमेंट बैंक का ऑप्शन कर दिया था, 24 घंटे के बाद पेमेंट बैंक अकाउंट में आए ऐसा कर दिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बैंक गूगल पे बिजनेस ऐप आता उसको डिलीट कर दिया था उन्होंने। तो फिर क्या हुआ है कि मैंने उनको बताया कि ये ऐप डाउनलोड करो। फिर ऐप डाउनलोड करके मैंने उन्होंने मुझे मोबाइल ही दे दिया पूरा। तो मैंने उनको उनके मोबाइल खोल के, फिर उनका मोबाइल खोलने के बाद, फिर उसके बाद मैंने किया उनका गूगल पे बिजनेस ऐप डाउनलोड किया फिर से। फिर मैंने पहले भी बता के गया था कि ये करना, फिर उन्होंने कैसे पता नहीं किसने डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ऐप डाउनलोड करके फिर बताया कि आपको पैसे आए आप देख लो। फिर उन्होंने बताया बैंक अकाउंट में कहाँ पैसे नहीं आए। तो बैंक अकाउंट में गया, फिर उनका ICICI का एक ऐप आता है, मैसेज आता है, मैसेज का ICICI जो पैसा आता है, तो वो पूरा काउंट हो गया था कि इन्होंने 250 रुपये किसी 3 तारीख को 250 रुपये किसी और ने दिए थे और 9,150 रुपये किसी और ने दिए थे। तो उन दोनों को काउंट होकर आपको देखो 9,400 रुपये काउंट हो रहा है ये दोनों मिला के। तो फिर उन्होंने उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया। फिर उसके बाद मैं उनको और भी बहुत सारी बातें समझाई उनको, जो कि आप समझ ही सकते हो कि मैं एक बार जाता तो कितना कुछ बता देता, लेकिन एक बार मैंने समझ किसी को याद नहीं रहता इतना सब कुछ। लेकिन बहुत सारे कस्टमर थे, इसके बावजूद भी उनको मैंने उनको सच्ची तरीके से समझाया। फिर उसके बाद मैं आतरी से वापस आ गया। आतरी से बहुत से लोगों को मिला, ICICI बैंक की जो मैम थी जो वर्धा में पहले रहते थे, तो उनसे भी मैं मिला। उन्होंने भी ICICI के बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी दी। वर्धा से आतरी के बीच में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पत्थर उत्थर वगैरह देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ से देख लो। फिर इसके बाद यहाँ से पूरा अंदर के साथ जंगल की जंगल, तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर कैसा है वो आपको वीडियो में अभी बताता हूँ। चलिए, और मैं एक बात बताऊँ कि मैं वहाँ पर जो
जो यात्री गया था वहाँ पर एक जने का 9,000 रुपये का कोई फंस गया ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बोल रहा था। तो उनसे क्या है कि उनके पास मिला तो उन्होंने मुझे कुछ 100 रुपये देने के बोला, लेकिन फ्री में 100 रुपये दे रहे थे मुझे। इस बात की खुशी से मुझे 100 रुपये, मैंने 100 रुपये मना बोल दिया, मैंने 50 रुपये रख दिए, कुछ बात नहीं, ये रहे 50 रुपये। और वैसे तो मैं पैसे लेने के लिए नहीं गया था, उनको समस्या का समाधान निकालने के लिए गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी ने शिव बना दिया, शिव जी का, मुझे शिव की तरह दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है देखिए। चलो यहाँ से मैं यहाँ आया, यहाँ से मैं चढ़ के इस तरफ जाता, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर उन्होंने क्या बना रहे, लेकिन फिर भी आपको पता चले तो आप बता देना कमेंट में। यहाँ से मैं इस तरफ आया, इस तरफ से इस तरफ, तो पानी वगैरह तो है नहीं, हल्का सा पानी है। फिर इसके बाद ये जो नगर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ये जो पत्थरों का बना हुआ है। और वो रही मेरी बाइक, और ये है स्कूल जो कि नाल की स्कूल है वहाँ पर। लगता है कि मुझे ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते भौंक भी रहे ज़्यादा, और उसके बाद क्या है कि मांस वगैरह खा रहे हैं, पता नहीं कोई कुत्ता मर गया और दूसरे कुत्ते को खा रहे होंगे। अच्छा चलिए छोड़ते बाय। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको वर्धा, वर्धा से आत्री की ओर जाते हुए बीच में कहीं पर भी मिल जाएगा, जो कि नाल स्कूल है वहाँ पर, उसके पास में। ये आपको कैसा लगा ये देख लीजिए, अगर मुझे जैसे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद बहुत ही सुंदर हो जाएगा, लेकिन ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसमें मुझे थोड़ा ऐसा डाउट लग रहा है कि इसमें कहीं सांप वगैरह हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरा जंगली जंगली है, इसलिए तो सांप वगैरह भी हो सकते हैं उसके अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी भी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा फ़ोटो खींचने के लिए तो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी जगह लग रही है। और ये क्या बनेगा, एनीकट बनेगा या फिर क्या, वैसे तो पानी से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, पानी होगा ही, पानी तो हल्का सा है यहाँ पर, अभी बारिश का मौसम आने ही वाला है। चलिए बाय, वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखना है कोई यहाँ पर लव लिख रहा है, और मैं दूसरी जगह बता दूँ, किसी ने यहाँ पर लव ऐसे करके कुछ नाम लिख रखा है, फिर उसके बाद दूसरा कुछ फूल लग के यहाँ पर दूसरा कुछ नाम लिख रखा है, आप देख सकते हो। पता नहीं क्या क्या करते रहते लोग, नीचे से कुछ नज़ारा इस तरह से दिखता है। और यहाँ से छत मतलब है क्या हाल, तो मुझे भी नहीं पता ठीक से, निकट है यहाँ पर, पानी तो ज़्यादा है नहीं, फिर उसके बाद उसके लगाने का क्या मतलब है वो तो पता नहीं, देखते चलो निकलते हैं यहाँ से अभी।